सबसे पहले आप लोगों से मैं क्षमा मांगता हूं। एक नासिक के वाचनालय ने मुझे आज एक पुरस्कार दिया था, उसका कार्यक्रम हुआ, वो सब नासिक से यहाँ 60-70 लोग यहाँ आए थे। वो कार्यक्रम में हमारे 5-6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मंत्री जी उपस्थित भी थे उस एरिया के, तो सबके भाषण होते हुए थोड़ा समय लग गया। वैसे आज का जो बात मैं आपको कह रहा हूं उसमें आपसे मुझे सहयोग चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में ये रोड एक्सीडेंट से बहुत गंभीर समस्या है। आप में से कुछ लोगों को शायद पता होगा या नहीं, मुझे मालूम नहीं, आज से एक 25 दिन पहले हमारे वर्धा जिले में MBBS के फर्स्ट ईयर के 7 विद्यार्थी का गाड़ी में जा रहे थे और गाड़ी स्पीड में थी और उसमें गाड़ी नीचे गिर गई और 7 के 7 बच्चे मर गए। उसमें रहांग डाले करके गोंदिया जिले में तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र है, उसके MLA हैं, उनका लड़का, एक ही लड़का था बेचारे को, उसका निधन हो गया। और मैं उसको मिलने के लिए उनके घर गोंदिया जिले में तिरोड़ा में उनके घर गया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम एक 40-42 साल का जवान आदमी, छोटे बच्चे जैसा, 10 से 15 मिनट रो रहा था। उसकी पत्नी का बोलना ही बंद हो गया था। तो ये रोड एक्सीडेंट से 7 बच्चे मर गए एक समय, और अभी भी इसका सीरियसनेस और इसका जो सेंसिटिव मैटर है, इसका महत्व शायद लोगों में आने रहा और हम शायद समझाने में कम पड़ रहे हैं। तो हमने अलग अलग निर्णय किए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में क्या करना, रोड इंजीनियरिंग में क्या करना, रोड सेफ्टी के लिए कानून में क्या करना, लोगों को, बच्चों को इसको पढ़ाने के लिए क्या करना, फिर इमरजेंसी में एक्सीडेंट हुआ तो उनको मदद कैसे करना। तो चारों में काम कर रहा है, लोग कर रहे हैं, सबका सहयोग मिल रहा है, पर लोगों में जो अवेयरनेस है जो दुनिया के देशों में है वो जीरो टॉलरेंस इसमें आ रहे हैं, एक्सीडेंट्स कम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ वो परिणाम केवल तमिलनाडु में थोड़ा हुआ था। तो ये ऑटोमोबाइल सेफ्टी के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो मैं आपको ब्रीफिंग कर रहा हूँ, ये 1.5 लाख पीपल आर किल्ड एवरी ईयर इन रोड एक्सीडेंट्स, GDP लॉस ऑफ 3.14% ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स, और हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 7.5 लाख करोड़ है, उसका एक्सपोर्ट इंडियन ऑटो इंडस्ट्री का 3.5 लाख करोड़ है, और मैंने ये तय किया है कि 5 साल के अंदर इसको 15 लाख करोड़ का करेंगे, और ये हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार को रेवेन्यू देने वाली इंडस्ट्री है, और GDP ग्रोथ में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करने वाली ये इंडस्ट्री है। ऑलमोस्ट ऑल ऑटो कंपनीज एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड कॉम्पिटेटिव व्हीकल्स इन इंटरनेशनल मार्केट। आपको पता होगा हमारी बजाज, TVS और हीरो, इसका 50% टू व्हीलर एक्सपोर्ट होता है। अब हमारे यहाँ इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायोCNG, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन भी आया है। हमारा अभी जो इंपोर्ट बिल है वो 8 लाख करोड़ का है, और हम जिस प्रकार से इसमें काम कर रहे हैं, अगर वो नहीं हो पाएगा तो 25 लाख करोड़ 5 साल में ये बिल होगा। और डीजल से प्रदूषण दिल्ली में कितना बढ़ेगा, आप आ नहीं पाओगे ऑफिस में, इतना डीजल पेट्रोल के कारण हमारा पहले आपको अनुभव इसका। तो ये इसके लिए हमने अभी ग्रीन हाइड्रोजन भी लाया है, मैं एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहा हूँ जिसको मैं आपको 15 मार्च को बुलाऊंगा, 15 मार्च 16 मार्च को। मैंने टोयोटो कंपनी की एक ग्रीन हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी पायलट प्रोजेक्ट करके लाई है, गाड़ी आई है, पर फरीदाबाद में इंडियन ऑयल की लेबॉरेटरी में है, उसमें गैस भरना है ग्रीन हाइड्रोजन, उसके कुछ इक्विपमेंट अमेरिका से आने वाले, वो अभी आएंगे, और वो 15 मार्च को वहाँ पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन भरेंगे, वो प्रेशराइज होता है, और उसके बाद मैं यही अपने घर पर ये गाड़ी लॉन्च करूँगा, और मैं आप में से सबको दिन भर ये गाड़ी में घुमाऊँगा कि आप लोगों को लिखकर बोलो कि पानी से ग्रीन हाइड्रोजन निकलता है और गाड़ी चलती है, प्रदूषण कुछ नहीं होता।
तो ये मैं 15 मार्च के बाद 15 या 16 मार्च को आपको बताऊंगा, तो इसके प्रचार से बहुत उपयोग होगा। ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जिसके लिए आज आपको बुलाया है, उसमें जो की इश्यूज़ है जो व्हीकल के डिज़ाइन के साथ रिलेटेड है, वो थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसमें हम कुछ निर्णय कर रहे हैं। पहला ऐसा है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, हमारे देश में क्या है और दुनिया के बाकी देशों में, वर्ल्ड में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या है, हमारे यहाँ टेस्टिंग एजेंसी कैसी है, वर्ल्ड में कैसी है। तो ये जो स्टैंडर्ड्स है पूरे, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसको कुणाल जोशी करके भी और हमारे अधिकारी भी यहाँ बैठे हैं, तो आप इंडिविजुअली भी इनको ऑफिस में जाकर मिलकर ये पूरी बातों को टेक्निकली समझो, क्योंकि लोगों में ये सही जाना बहुत आवश्यक है। अब इसमें हार्मोनाइजेशन विथ यूएन रेगुलेशंस, अभी यूएन के भी रेगुलेशंस है और यूरोपियन भी स्टैंडर्ड्स है। आज ये सेक्रेटरी और अधिकारियों की हमारी मीटिंग हुई और हमने ये तय किया है कि हम दोनों का स्टडी करके इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना है। ये पहली बार मुझे आज पता, मैंने अभी तक मुझे मालूम नहीं था कि एक गाड़ी जो बनती है एक कंपनी की, फॉर एग्जांपल सुजुकी की, तो उसका इंडियन मॉडल एक स्टैंडर्ड का है, अफ्रीकन मॉडल एक स्टैंडर्ड का है और जापान का एक का है, बोर्ड वही लगा हुआ है पर उस देश के नाम से अलग है। तो ये हम लोग सेफ्टी के दृष्टि से इसमें हार्मोनाइजेशन करना चाहते हैं। लो सेफ्टी स्पेसिफिकेशन ऑफ स्मॉलर व्हीकल्स, ये भी हमारा इशू है। क्रिएटिंग ए कंज्यूमर अवेयरनेस रिगार्डिंग सेफ्टी, ये जो स्टार रेटिंग होता है ना, फ्रीज लेने के लिए जाते हैं आपने स्टार रेटिंग, तो पब्लिक में अवेयरनेस करके इसका टेस्टिंग करके स्टार रेटिंग देने में हम कैसा करें, इसलिए क्रिएटिंग ए कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट द सेफ्टी, कि सेफ्टी के हिसाब से कौन सी गाड़ी अच्छी है, इसके स्टैंडर्ड्स, उसके अथॉरिटी, ये सब हम फॉर्मुलेट करने के लिए बैठे हैं। फिर एनर्जी ऑफ क्रैश रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, अभी जैसे मेरे समझ में नहीं आया कि ये गाड़ी जो नागपुर में एक्सीडेंट हुआ, इसमें 7 के 7 बच्चे मर गए, और गाड़ी का नाम कंपनी का मैं नहीं लेता, पर मुझे लगता कि उस गाड़ी में अगर 6 पूरे एयरबैग्स होती तो शायद मुझे लगता है कि 7 के 7 लोग भी बच सकते थे, ये मेरा गट फीलिंग है। और ये एयरबैग से बचते भी अनेक बार इतनी क्रैश टेस्ट में। तो अभी ये जो इसके बारे में ARAI के लोग अभी बैठे थे मेरे साथ, तो उनके साथ भी चर्चा हुई, और एनर्जी ऑफ क्रैश रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, इसके बारे में वर्ल्ड स्टैंडर्ड में क्या है, प्रैक्टिसेस क्या है, वो भी हम कर रहे हैं। नीड टू इम्प्रूव व्हीकल इंटीग्रिटी ओवरऑल, उसमें जैसे हमने 6 एयरबैग्स मैंडेटरी की, पहले इकोनॉमिक मॉडल में नहीं था, तो मैंने एक सवाल पूछा मैन्युफैक्चर को कि गरीब लोग मरे और धनवान लोग बचे, ऐसे पॉलिसी है क्या? जब रोड सेफ्टी में अगर जान बचनी है तो गरीब की भी बचनी चाहिए, उसकी भी, आप क्यों नहीं करते? अब जब नंबर बढ़ेगा तो उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अब इंडिया में मैंने एयरबैग्स मैन्युफैक्चरर को बुलाया था, थोड़ा टेक्निकली है, थोड़े पार्ट बाहर से आते थे, पर अभी हिंदुस्तान में स्टार्टअप शुरू हुए, 6 कंपनीज हैं, एयरबैग्स की डिमांड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अब कम से कम 5 गुना 6 गुना बढ़ी, तो वो लार्ज नंबर पर वॉल्यूम तैयार होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। पर थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ी भी तो भी हमको गरीब हो धनवान हो सबके लाइफ की चिंता करना है सेफ्टी की, तो हमने ये जो एनर्जी ऑफ क्रैश रिलेटेड टू स्क्योर ऑफ, इसके बारे में हम लोग उसका स्टैंडर्ड मानक तय करेंगे। रोड सेफ्टी के हिसाब से हमें इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, इसका हमने अध्ययन किया है, और इसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट इन क्रैश अवॉइडेंस, एक्टिव सेफ्टी एंड क्रैश प्रोटेक्शन पासिव सेफ्टी मेजर्स, ये थोड़े टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो ये क्रैश करते उसके बाद टेस्टिंग करके उस मॉडल की एक रेटिंग तय होता है सेफ्टी के हिसाब से, तो ये इम्पोर्टेंट की इश्यूज इसके हैं। तो इसके साथ हमने सेफ्टी सब्जेक्ट में अंडर में कुछ रूल्स में परिवर्तन किया है, अभी लोग भी हमारे देश में होशियार है। अब मैं गवर्नमेंट बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमता हूँ बाकी के स्टेट में, तो मैंने देखा मेरा वो पहले हॉर्न पॉपा करता है, बेल्ट नहीं लगाया तो बज नहीं रहा था, तो एक छोटा सा लगा के एक लगा दिया कि लगा आवाज़ नहीं आता फिर उससे, तो लोग सोल्यूशन निकाल लेते, पर ये उन्हीं के लिए अच्छा नहीं है। तो ये
पहली बात रिक्वायरमेंट ऑफ 4 एडिशनल एयर बैग्स, इसके बारे में रूल्स रिगार्डिंग टू 2 साइड टोरसो एयर बैग्स फॉर फ्रंट रो पैसेंजर्स एंड 2 साइड कर्टेन ट्यूब एयर बैग्स फॉर पर्सन्स ऑक्यूपाइंग आउटबोर्ड पोजिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हीकल्स कैरिंग अप टू 8 पैसेंजर्स. अर्लियर फ्रंट एयर बैग्स फॉर द ड्राइवर एंड को ड्राइवर हैव ऑलरेडी बीन इशूड. पहले ड्राइवर और कोर सामने थी, अब पीछे में भी 8 लोगों तक इसका प्रोटेक्शन होगा, ये हुआ है. बाद में 3-point सीट बेल्ट, दिस इज प्रपोज टू प्रोवाइड 3-point सीट बेल्ट फॉर ऑल द फ्रंट फेसिंग पैसेंजर इन द कार. बाद में भारत एंड कैप, दिस विल इन्वॉल्व स्टार रेटिंग जिसका मैंने उल्लेख किया था. इसमें सब कंपनियों को टेस्टिंग करना पड़ेगा और एक इंडिपेंडेंट एजेंसी उनका रेटिंग देगी, स्टार रेटिंग, वो 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, 5 star तक है. दिस विल इन्वॉल्व स्टार रेटिंग ऑफ द व्हीकल बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल टू इम्प्रूव अपॉन द सेफ्टी ऑफ द व्हीकल एंड दिस विल इनेबल टू परचेसर ऑफ द व्हीकल टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत जरूरी है. अगर मैंने कहा ना कि 7 बच्चे अगर ये गाड़ी इस प्रकार से रहती तो नहीं मरते, तो हमें ये बिल्कुल विचार करना है. बाद में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, दिस हेल्प प्रिवेंट लॉस ऑफ कंट्रोल इन कर्व्स एंड इमरजेंसी स्टेयरिंग मैन्यूवर्स बाय स्टेबिलाइजिंग द कार. तो ये भी है, ये टेक्निकल कंसेप्ट है, आपको मैं इसके एक्सप्लेनेशन पर डिटेल में दे दूंगा. एडवांस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम AEBS, इसके बारे में भी हमने कुछ निर्णय किया है. फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ डेंजरस गुड्स, मैं मेरे वेबसाइट पर ये तुरंत डाल देता हूँ नोट, तो आप इसके समझेंगे. ईज ऑफ मोबिलिटी फॉर दिव्यांगन, अब ये बहुत सी बातें में हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स है, दिव्यांगन है, उनके लिए हमको अलग अलग प्रोविजन करने की आवश्यकता है और वो हमने ईज यानी वो बहुत कॉमन रहे, आसान रहे, ताकि दिव्यांगनों को तकलीफ ना हो, ये हमने इसमें किया है. और उसके स्टैंडर्ड भी हैज़ बिन डेवलप फॉर मेकिंग व्हील चेयर एकोमोडेशन प्रोविजन एंड गाइडलाइंस फॉर चेंज ऑफ कंट्रोल ऑफ दिव्यांगन विथ 2 मोशनल डिसेबिलिटी, तो उसका अध्ययन करके हमने ये भी किया है और ये प्रपोज किया है कि भाई लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ डेंजरस गुड्स अलाइनिंग विथ यूरोपियन रेगुलेशंस, वो भी हमने किया है. फिर ड्राइवर ड्रॉजीनेस अटेंशन वार्निंग सिस्टम, ड्राइवर को नींद लगती है और बस का ट्रक का एक्सीडेंट होता है, उसमें एक अलार्म बढ़ेगा. ड्राइवर ड्रॉजीनेस डिटेक्शन इज ए सेफ्टी टेक्नोलॉजी विच हेल्प्स प्रिवेंट एक्सीडेंट कॉज बाय द ड्राइवर गेटिंग ड्रॉजी. बाद में ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कहाँ एक्सीडेंट हो रही है, धोखे की जगह ऐसा लिखते हैं हम लोग, तो वो लिखने के लिए हमने व्यवस्था की है, ब्लैक स्पॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम. सिस्टम इज टू इन्फॉर्म द ड्राइवर ऑफ पॉसिबल कोलिजन विथ ए बाइसिकल नियर साइड इन ए मिक्स ट्रैफिक कंडीशन वेयर इन टू व्हीलर्स एंड हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स आर रूलिंग साइड बाय साइड एंड नॉट ओनली ऑन हाईवेज बट इन सिटी ट्रैफिक ऑल्सो, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. फिर एडवांस ड्राइवर असिस्टिंग सिस्टम, लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम, कितने बार समझाते हैं कि जो एक हेवी ट्रक है वो एक लेन में चला जाए, पहली लेन में, वो बीच में आके गाड़ी ओवरटेक करते हैं, एक्सीडेंट होते हैं. लेन डिसिप्लिन, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम में लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम, ये भी हम कर रहे हैं. क्विट रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये भी कर रहे हैं. इसमें सिस्टम्स आर डिजाइन टू मिनिमाइज एक्सीडेंट बाय एड्रेसिंग द मेन कॉज ऑफ कोलिजन, ड्राइवर एरर, डिस्ट्रैक्शन एंड ड्राउजीनेस, ये क्विट रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल. बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल आर लेस नॉजी टू वार्म वल्नरेबल रोड यूजर्स सच एज पेडेस्ट्रियन एंड साइक्लिस्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल. इलेक्ट्रिक व्हीकल का आवाज़ ही नहीं आता, पेट्रोल डीजल का आता है. ये साउंड पोल्यूशन भी बड़ी बात है. हम अभी इन्वायरमेंट के एक एक्ट का उपयोग करके वो जो हॉर्न बजते हैं तो मैक्सिमम उसका आवाज़ कितने डेसिमल का हो और उसमें मधुर स्वर निकले, अलर्टनेस और अवेयरनेस भी आए, पर वो कर्कश जो होता है जिसमें कानों को तकलीफ होती है, वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हम करेंगे, उसका भी जल्दी अध्ययन करके हम निर्णय कर पाएंगे. ये भारत एनकैप न्यू कार असिस्टेंट प्रोग्राम, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का, हमने एट पार विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. ये NCAP प्रोग्राम आर सक्सेसफुली बी रन इन US, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूरोप. क्रैश टेस्ट पैरामीटर्स एंड स्कोरिंग क्राइटेरिया
customers can take an informed decision based on the star rating of Bharat NCPA program. बाद में NCPA is aimed to improve structural integrity and stability of the car, occupant safety, pedestrian safety, improving the bumper and the bonnet design for protection of pedestrian in the event of collision, use of passive active safety features, electronic stability control, forward collision warning, lane departure warning system. ये सब टेक्निकल है, मैं तुरंत मेरे वेबसाइट पर ये पूरा डिटेल डाल दूंगा, फिर आप स्टडी करो और इसके बाद आपको लगता है तो हमारे ऑफिस से हम इसका एक्सप्लेनेशन देंगे. वेरिएबल कॉस्ट जो है फैब्रिक इन्फ्लेटर ब्रैकेट, ये जो हमने किया एयरबैग्स का इकोनॉमिक्स, वो हमने अभी ये कॉस्ट कम हो जाएगी. इसके लिए भी हम मदद कर रहे हैं कि वे मेक इन इंडिया में, ये इम्पोर्ट न होते हुए पूरा इंडिया में बने. बाद में लोकल कंपोनेंट अभी 60-65% है और नो वन इज़ मेकिंग इन्फ्लेटर एक्सप्लोजन इन इंडिया. नाउ कंपल्सरीली वो इम्पोर्ट होता है तो जल्दी वो हिंदुस्तान में इसकी शुरुआत हो जाएगी, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया में. एयर बैग्स इन्फ्लेटर इश्यू एंड सेंसर हैव बीन इंक्लूडेड इन द PLI स्कीम. ये जो PLI स्कीम है इसमें इसको इंक्लूड किया फॉर ऑटो कंपोनेंट्स, तो इसके कारण हमारे देश में इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगा. ब्रीफ ऑन एयर बैग इन्फ्लेटर, ये मैंने पूरे डिज़ाइन के साथ आपको दिया है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आप इसको स्टडी कर लीजिए. स्टॉप मैन्युफैक्चर फॉर इन्फ्लेटर्स जो है, ये चार कंपनियां हैं, सब डिटेल दिया हूँ. ये जल्दी ये PLI स्कीम आने के कारण ये हमारे देश में हो जाएगा, तो ये पूरी नोट मैं आपको दूंगा. रोड सेफ्टी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. जितने आतंकवादी और जातीय दंगों में लोग नहीं मरते, उससे ज़्यादा लोग इसमें मर रहे, लड़ाई में भी नहीं मरते, तीनों को मिलके जो टोटल की उससे ज़्यादा लोग हमारे रोड एक्सीडेंट में मरते, 1.5 लाख और 2.5 लाख 3 लाख लोगों के हाथ पैर वो दिव्यांग बन जाते हैं, उनका लाइफ खराब हो जाता है. 3.1% GDP का नुकसान होता है और ये बहुत सीरियस इशू है. तो हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार कर रहे हैं, कानून में सुधार कर रहे हैं, हमने रोड इंजीनियरिंग में सुधार कर रहे हैं, ब्लैक स्पॉट को इम्प्रूव कर रहे हैं, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ा रहे, एजुकेशन बच्चों के इसमें ला रहे. इमरजेंसी जो है वो आखिरी इसका एक पहलू है, पर इसकी ज़रूरत ही ना पड़े. अभी 350 हम ये जो रोड सेलेब्रिटीज़ बना रहे वहाँ हेलीपोर्ट बना रहे, और ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाएगा. एक्सीडेंट होने वाला व्यक्ति अगर मर जाता है तो 4 घंटे के अंदर उसको हॉस्पिटल, उसका हार्ट, उसकी आँखें दूसरे आदमी को देकर उसको जीवन देने की कोशिश करने की भी पॉलिसी हमने बनाई है. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और समाज के लिए आवश्यक ऐसा सब्जेक्ट है. इसका डिटेल मैं तुरंत वेबसाइट पर डाल दूंगा और जो भी आपको होगा जानकार लीजिए. हमें प्रॉब्लम यह है कि इन सब अच्छी बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जनता का सहयोग चाहिए, और जनता का सहयोग मीडिया के सपोर्ट के बिना नहीं होगा. मुझे बहुत है कि आप में से कुछ पत्रकार ऐसे कि उन्होंने रोड सेफ्टी के लिए अपना पूरा करियर डिवोट दिया, काम करते हैं, ऐसे भी पत्रकार हैं. मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, रिगार्ड करता हूँ, और हमारी कोई गलती होगी तो हमें भी मत छोड़िए. और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसमें ये सब बातों को लोगों तक ले जाने के लिए आप विशेष रूप से टीवी में प्रोग्राम करिए, बाद में अखबारों में इसके चलाइए, लोगों की प्रतिक्रिया इकट्ठा करिए और लोगों की जान बचाने का. मैं तो जीरो फैटर इस पर तो कोई जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि हम लोग 2025 के पहले 50% डेथ और 50% एक्सीडेंट कम करने का हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आप लोगों ने सहयोग दिया तो वो यशस्वी होगा. और इस काम के लिए आप लोग जरूर मदद करिए. आज का सब्जेक्ट आपके द्वारा लोगों का सहयोग इस पूरे मिशन में मिलने के लिए आज आपको सबको आमंत्रित किया है. और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद भोजन की व्यवस्था है, और मुझे पता है कि भोजन का भी टाइम हुआ है, फिर भी आप संक्षिप्त में सवाल पूछिए, मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ. और जो गाड़ियों की स्पीड आप 160, 180 तक ले जाते हैं, आपने भी खुद एक गाड़ी 160 की स्पीड से चलाई थी ये दिखाने के लिए कि रोड कितना स्मूथ है, तो क्या हमारे रोड स्टैंडर्ड उतनी गाड़ी की स्पीड के लिए कैपेबल है कि इतनी स्पीड में गाड़ी चल सकती है? दूसरा छोटा सा सर, जो पैचेस लगाए जाते हैं वो अक्सर देखा जाता है कि जो ओरिजिनल रोड है उससे नीचे ऊपर होते हैं, तो कभी उस पैच पे से गाड़ी निकलती है तो वो जंप लगा के एक्सीडेंट भी हो जाता है सर.
हमारे एनएचए के कोई रोड पर पैच देखा है ऐसा, एखादे रोड का नाम बता दें आप। राज्य सरकार लगाते पैच, हम तो कंक्रीट रोड बनाते और एक बार होते तो बहुत अच्छे करते। दूसरा पहला सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए हमारे यहाँ चेन्नई हाईकोर्ट ने हमारी जो स्पीड थी वो भी कम कर दी और हम स्पीड सुधार नहीं रहे। दूसरा मैंने जो 160 किलोमीटर थी वो ट्रायल प्रोजेक्ट था, तो मेरे ऊपर नियम भंग किया करके आप बोलोगे केस डालो करके, तो वो ट्रायल ले रहे थे रोड की उसकी थी। तीसरी बात यह है कि अब एक वाद हो रहा है, आप में से आधे पत्रकार मुझे आकर बताते हैं कि रोड में आपने इतने अच्छे बनाए कि स्पीड बढ़ी है, स्पीड को कंट्रोल करो। दूसरे मुझे देश भर में लोग रोज मिलते और मुझे नाराज है मेरे ऊपर, बोलते इतने अच्छे रोड बनाए, थोड़े 80-100 की स्पीड की तो कूपन आता है, हमको फाइन भरना पड़ रहा है, ये क्या लगाया आपने? आपके स्पीड के पैरामीटर आप ज़्यादा तय क्यों नहीं करते? तो पहली बात तो इसके बीच में मेरा व्यक्तिगत मत ये है और आप भी लोग इसमें सुझाव दीजिए कि 6 लेन एक्सिस कंट्रोल रोड इसकी स्पीड कितनी हो, 4 लेन विदाउट एक्सिस कंट्रोल उसकी स्पीड कितनी हो, 2 लेन पेव शोल्डर की स्पीड कितनी हो, सिटी लिमिट में स्पीड कितनी हो, बाद में डिस्ट्रिक्ट रोड पर कितनी हो। तो आप लोगों को मैं आह्वान करता हूँ, आप लोग भी सुझाव दीजिए, मैंने भी इसका अध्ययन किया है और इसमें यूनैनिमिटी नहीं है और उसमें प्रॉब्लम हुआ कि कोर्ट ने अलग अलग निर्णय दे के रखे हैं। अब नए मोटर व्हीकल एक्ट में ये स्पीड तय करने का अधिकार हमको है। अब रोड अच्छा बना है, कोई 100 पे जाता है, जहाँ 120 जाने में भी कोई अड़चन नहीं, तो उसको तुरंत फाइन का कूपन आ जाता है उसके यहाँ, तो वो प्रॉब्लम लोग हमको बताते हैं क्योंकि हमने कैमरे बिठाए। तो अब इसके बारे में इसको सिंक्रोनाइज करने की आवश्यकता है बिटवीन द लाइन। हम चेन्नई हाईकोर्ट के निर्णय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में हमने अपील किया है, पर मेरा गट फीलिंग है लॉ के हिसाब से कि हम लोग उसके बाद भी एक नया बिल या नया एक्ट बनाकर पार्लियामेंट में जाकर हम आप सबके सुझाव को इकट्ठा करेंगे, जनता के सुझाव को इकट्ठा करेंगे और हमारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ रोड है उसके लिए आपके सुझाव पर एक एक्सपर्ट कमेटी, हमारी एडवाइजरी कमेटी भी है हमारे इसमें अभी, जिसमें हिंदुस्तान के सभी ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट है उनका भी सलाह लेंगे, जो एमपी कमेटी है हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की उनका भी सलाह लेंगे, और पत्रकार लोग आप भी हमें मार्गदर्शन करिए और ये वेबसाइट पर ये जो सुझाव हम तैयार करेंगे उसको लेकर फिर हम इसको अंतिम स्वरूप देंगे। सर मेरा दो सवाल है, एक तो जो आपने आज कहा कि यूएनईसी के साथ हम अलाइनमेंट करेंगे सारे कंडीशंस का, ये 2019 में इसका खाका तैयार हुआ था, बाय 2023 इट वाज सपोज्ड टू बी डन। वन ऑफ देम वाज ऑब्वियसली दिस, यू नो, जो आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी सिस्टम, और तीसरा जो आपने कहा कि एनकैप, ग्लोबल एनकैप। अनफॉर्चुनेटली जो है, जो हम भारत एनकैप लाने की बात तब से शुरू कर रहे थे, क्या हम एनकैप के बदले में और कोई नाम नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ये दिस इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय ए पर्टिकुलर कंपनी जो ग्लोबल एनकैप चलाता है, ये आप भी जानते हैं। और दूसरा सवाल सर, आपने जो ये सीट बेल्ट पहनने की बात कही, एक छोटी सी मैं उदाहरण दूंगा, जैसे कहते हैं घर में गीता है लेकिन पढ़ना नहीं आता तो गीता का कोई फायदा नहीं है, इसी तरह से आज के दिन इवन जो 2 पॉइंट सीट बेल्ट है, पीपल आर नॉट यूजिंग इन द रियर सीट। जब तक एनफोर्समेंट नहीं होगा, यू नो, इवन इफ यू ब्रिंग न्यू लॉज, न्यू कंडीशंस, खाली एक तो एक कंप्लायंस बर्डन बढ़ेगा। जब तक कंप्लायंस नहीं होता, हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज नॉट अवेयरनेस व्हिच ब्रिंग्स एजुकेशन, बट एनफोर्समेंट ब्रिंग्स एजुकेशन। देखिए आपकी बात बिल्कुल सच है और हमारे भी डिपार्टमेंट में इस काम की गति जो है उसके प्रति मुझे समाधान नहीं है। इसके कारण है कि कभी कभी हमको कुछ निर्णय फाइनेंस के अप्रूव से करने पड़ते हैं, कभी कभी हमारे लिए कोई अपॉइंटमेंट करनी है तो उसके काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज सेक्रेटरी को मैंने कहा है कि इसकी ओनरशिप अब वो जो एडिशनल सेक्रेटरी है उसके पास है, अभी हम एक बदल के नए आ रहे हैं और मैं इन सब रोड सेफ्टी के काम से, रोड सेफ्टी काउंसिल नहीं बना पाए हम लोग, वही टेक्निकल कामों में हमारी अटक गई। तो इसमें जो लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, कुछ तकलीफें आ रही है, इसमें आज सेक्रेटरी जो हमारे हैं इन्होंने काफ़ी निर्णय किए और आज मैंने उनको, आपने कहा वही बात उनको कही है, तो जल्दी ही ये पर्टिकुलर इशू के सीरियसनेस को देखकर हम डिपार्टमेंट के अंदर इसके बारे में निर्णय करेंगे। ये जो नाम कौन सा रखना है, ये बात बिल्कुल आपने सही कहा। अब एक्स्टैब्लिश नाम वो है, अब इसको कोई अच्छा नाम
हम लोग भी आपके मार्फत आज आप सबको आउटसोर्स करते हैं और आप मीडिया में हमको इसका भी सुझाव दीजिए और इस स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करते समय उस नाम के साथ हम करने की कोशिश करेंगे। और ये जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है जो है ये बिल्कुल अब कंपलसरी किया है और कल मैंने ये कंपलसरी किया है, मैंडेटरी किया है और कल मैंने इस फाइल पर साइन कर दिया। तो कुछ बातें मैंडेटरी करी है, कुछ बातों में हमें आपका भी सुझाव चाहिए कि पहली बार हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के रूल्स रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो कहीं गलती ना हो, लोगों को तकलीफ भी ना हो। तो हम लोग ओपन माइंडेड हैं। मैं आपको एक बता दूँ, एक ये कुणाल जोशी करके हाथ ऊपर करें, ये मेरा OSD है, रोड सेफ्टी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट मेरिट है और बहुत अच्छा, इसको वर्ल्ड के भी नाम सब मालूम है और होशियार लड़का है। तो ये इसको बताइए आप, वो ऐसे 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 लोग हमारे पास रहे बिना काम नहीं होता। पहले अरुण नरेंद्रनाथ वो IIT अभी वर्ल्ड बैंक में गया है, तो ये बेचारे वर्ल्ड की जानकारियाँ लेके गवर्नमेंट पैरेलल काम करता है, ये भी काफ़ी करता है। तो आप सब सुझाव इसके पास एक वेबसाइट पर सजेशन के लिए ओपन कर दो और आप भेजो, और ये एडवाइजरी कमेटी भी हमारी, उनकी भी सजेशन लेंगे और आपके मार्फत आप पूरे देश में इन सब को डिटेल में लिख कर लोगों को बताओ और मैं ये वेबसाइट का आपको नाम दे दूँगा। आप सब सुझाव लोगों से भेजो, हम लोग उन सब का बिल्कुल अध्ययन करके उसका विचार करेंगे। सर समीर दीक्षित सर, जो क्रैश टेस्टिंग वाला है इसमें थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझना चाहूँगा कि अभी जो टेस्टिंग होती है एनकैप्सिट ग्लोबल, उसके रेटिंग के बावजूद भी भारत में उतना अवेयरनेस नहीं है, तो आप जो भारत एनकैप लाने का विचार कर रहे हैं उसका रोड मैप क्या रह सकता है, कब तक लाएंगे? और दूसरा आपको ये एक बात मालूम है कि एक साल पहले एक न्यूज छपी थी, मैं नाम नहीं लेता कंपनियों, तो ये कंपनी की गाड़ी ग्लोबल स्टैंडर्ड में क्रैश टेस्ट में पास हुई और ये कंपनियों की गाड़ी नहीं पास हुई। अब ये न्यूज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है और हिंदुस्तान का मार्केट भी बड़ा होलेटेल है और ग्राहकों को अवेयरनेस खड़ा करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर जो गाड़ी क्रैश टेस्ट में पास हुई उसकी मार्केटेबिलिटी बढ़ेगी और जो ब्रांड अगर उस स्टैंडर्ड पे नहीं आएंगे तो लोग ही होशियार है ना जी। हमारे यहाँ अभी आजकल हम देखो कोई भी चीज़ है, हम कोई भी ब्रांडेड लेते समय बोलते ये कंपनी अच्छा है ले लो। तो ये जो अवेयरनेस है पब्लिक में, यही मैं आपका कोऑपरेशन चाहता हूँ। और आप जब बोलेंगे, मैं नहीं बोलता, नाम नहीं लेता, कि ये कंपनी पास हुई है और ये कंपनी फेल हुई है, तो जो फेल हुई है आपने एक वाक्य लिखा तो उसका बैंड बजता है ना जी, बजाओ बैंड, जो परफेक्ट नहीं है उसका बजेगा, इसलिए सब परफेक्ट बनेंगे। तो ये मैं आज आपको जो बुलाया वो इसीलिए बुलाया, अब तुम वॉचडॉग हो और तुम्हें देख रहा है कौन परफेक्ट है और कौन नहीं है। ये अवेयरनेस आपके बिना नहीं हो पाएगा। और एक छोटी सी बात है जी, एक कंपनी को मैं एक घोषणा करता हूँ तो शेयर मार्केट में शेयर बढ़ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, और आप एक न्यूज़ लिखवा दो एक साइड डाउन हो जाते हैं। तो ये जो आज का मेरा बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि आप हमें इम्प्लीमेंट करने में जो सहयोग कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। और हर आदमी रेपुटेशन विश्वसनीयता इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। और क्वालिटी 100% गुड क्वालिटी, इसकी विश्वसनीयता रेपुटेशन मत हो, इसीलिए तो लोग बोलते हैं ना एक ब्रांड के लिए अच्छे पैसे पे करते हैं। तो ये अवेयरनेस स्टडी करके आप इसके ऊपर चलाइए, हम भी आपकी मदद करेंगे और हम भी इसकी सिस्टम को ऐसा करेंगे कि मार्केट में इमीडिएटली क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। बस एक लास्ट में सर, जो भी सेफ्टी के नए पैरामीटर्स आते हैं या इवन ये जो क्रैश टेस्टिंग है, इसमें अमूमन ये देखा जाता है कि ऑटो मेकर्स उसका जो पूरा भी कॉस्ट होता है वो कस्टमर को बाईपास करने की कोशिश करते हैं, आपका क्या संदेश रहेगा इसको लेकर? ऐसा नहीं होता, मार्केट इज वेरी कॉम्पिटेटिव। और पहले क्या था कि जैसे अभी मेरा उदाहरण ठीक नहीं है, हम चुनाव लड़ते थे तो दो अखबार रहते थे, तो वो चुनाव के समय एडवर्टाइजमेंट के रेट बढ़ा देते थे। अब क्या 15-20 अखबार हो गए, टीवी वाले आ गए, अब रेट नहीं बढ़ाता, वो बोलता है पूरी रेट है उसमें कैसे पैकेज तय कर दो। तो क्या हुआ, मेन प्लेयर होने के कारण कॉम्पिटिशन हो गए तो कम हो गया खर्चा। तो ये अभी कॉस्ट में भी उसको अपनी प्राइस को कॉम्पीट करके सेल भी करना है, तो वो बराबर समझता है कि क्या करने से कहाँ नुकसान है कहाँ फायदा है, क्वालिटी भी इम्प्रूव करना, कितना चार्ज करना कितना नहीं करना, इसमें धीरे धीरे बहुत अवेयरनेस आया। तो ये एक पहला परसेप्शन था,
कि भाई ये इतने नॉर्म्स लगा रहे, इतने लगा रहे एयर बैग्स लगा रहे, तो कीमतें बढ़ेगी, तो कीमत कितनी बड़ी होगी। तो अब क्या होता है कि जो एयर बैग 6,000 रुपये में मिलती थी वो अभी 1,500 में आएगी। तो दो बैग 12,000 की लगाई जाती थी, तो आज 6 बैग 14,000 में हो जाएगी। तो ये एक वॉल्यूम का गेम होता है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में है ना, कि नंबर बढ़ता है तो कॉस्ट कम होती है, तो वैसे ही है। नितिन जी, हाँ, वो आपने अभी बताया 2025 तक अपने एक्सीडेंट रिड्यूस करेंगे 50%, मान लिया आपकी बात, आप जो चाहते हैं वो करके ही दिखाएंगे। नहीं, पर थोड़ा सुधार करता हूँ। अच्छा, नहीं, मैंने कमिटमेंट नहीं की, हाँ, मेरा ये उद्दिष्ट रखा हुआ है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा ये दिल की इच्छा है। थैंक यू वेरी मच। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, पर उसमें सक्सेस होगा या नहीं होगा, आई एग्री विद योर पॉइंट। ओनली द थिंग इज कि यू डोंट टेक इट एज माय कमिटमेंट। नो 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 नो, गडकरी वादा से मुकर गया। वो जो मैं आपको मैं पूछ रहा हूँ ये है कि जो इसमें आपको जो डिसीजन लेते हैं वो मेरे को अच्छा लगता है, ये मैं कह रहा हूँ। नाउ द क्वेश्चन इज, इतना बड़ा देश है, इतनी हैवी व्हीकल्स है, लाइट व्हीकल्स है, और इसकी जो ड्राइवर जो गाड़ी ड्राइव करता है, इनको ABCD पूरा तरीके से मालूम नहीं है। तो आप यहाँ पे UN का जो स्टैंडर्ड बा यूरोपियन जो स्टैंडर्ड, इसको कहाँ तक सक्सेसफुल हो सकते हैं? इसमें ड्राइवर का दोष नहीं, अभी ड्राइवर भी केबिन अच्छी बन रही है, AC लग रहे हैं, ड्राइवर की चेयर बदल गई है। आपको पता है कि मैं मेरे बचपन में देखता था ये अशोक लेलैंड या टाटा के ट्रक निकलते थे, तो ये लकड़ी की पलटी रहती ना, इसको ठोक के कीले से मार के और नए चेसिस में ड्राइवर बैठ के चलाता था। अब ये बैठने की कुर्सी भी, कल मैंने LNG पे चलने वाले ट्रक आए थे दो मेरे नागपुर में दिखाने के लिए, और इससे सुंदर पूरी केबिन है, बदल गया है। तो ये धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें बदल रही है, और लोगों में अवेयरनेस भी आ रहा है, और लोगों में अब केबिन में बैठना, सोने की भी व्यवस्था है। तो धीरे धीरे हमने ये हमारे वर्ल्ड में ड्राइवर 8 घंटे गाड़ी चलाता है, और वो यूरोप में जाएंगे लग्जरी बस में 8 घंटे होते ड्राइवर उतर जाता है, दूसरा ड्राइवर आता है, या 14 घंटे 16 घंटे वही चलाता है बेचारा, सोता नहीं, कुछ नहीं, कोई रूल। अभी धीरे धीरे एक बात जरूर है, आप बोलो, आप भी करो, तो हिंदुस्तान को भी इंजेक्शन देना है, तो थोड़ा धीरे धीरे कर देना पड़ेगा। एकदम दूंगा तो मेरे लिए भी कठिन हो जाएगा, पर धीरे धीरे सुधर रहा है सब। हाय सर, दिस इज श्वेता गोस्वामी फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स। सर, आपने जो ये स्लू ऑफ मेजर्स आज अनाउंस किया है फॉर रोड सेफ्टी, ये आई मीन व्हाट्स द टाइमलाइन ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन? कुछ तो मैडम मैंडेटरी किया है जिसका मैंने ऑर्डर निकाला है, कुछ बातें जो होती है जैसे एयर बैग्स का मैंने कहा, ये सीट बेल्ट का कहा है, और ये धीरे धीरे कुछ बातों में हम लोग उनको नियम हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में हम उनको बताएंगे। एक आधे जगह पर कभी कभी एडवाइजरी भी इशू करते हैं। अभी एक छोटी बात है, कल मेरे यहाँ मिलिट्री की मीटिंग हुई थी, काफ़ी उनके जो इंचार्ज हरपाल सिंह और कर्नल साहब सब थे, मैंने उनको कहा मेरे लिए एक काम करें कि मिलिट्री का ट्रक है उसकी हाइट ऊपर होती है, तो दो टायर के बीच में गैप होती है, ये गाड़ी या स्कूटर उसके अंदर चल जाके लोग मरते हैं, तो एक पाइप तो बीच में लगा दो, ये जैसे टेबल को लगा ये गैप है ना, इसके बीच में एक पाइप तो लगा दो। ये हमने निकाला, एडवाइजरी निकाली है, करते नहीं। अब ये धीरे धीरे आपका भी है कि ऐसे अखबार इसके फोटो निकाल कर आप लगा दो कि रोड सेफ्टी के लिए कोई लगा नहीं रही, ये ट्रक नंबर है, ये इनका है, लगा दो, तो कहीं ना कहीं पब्लिक अवेयरनेस और आपके तरफ से लिखा जाएगा तो ये फर्क पड़ेगा। सर, स्नेह कमल प्राइम न्यूज से। सर, हाँ। पूरी दुनिया में जितनी रोड एक्सीडेंट मौतें होती हैं उसमें 10% भारत में होते हैं। तमिलनाडु की अगर बात करें, तमिलनाडु ने रोड एक्सीडेंट में काफी हद तक जो काबू पाया है, तमिलनाडु मॉडल अन्य राज्यों में लागू कब तक हो सकता है? देखिए, ये सब्जेक्ट जो है, तमिलनाडु का जो मॉडल था ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से तमिलनाडु के सरकार ने किया था, अब वर्ल्ड बैंक वो पूरा मॉडल देश में सभी राज्यों को देने के लिए तैयार है। ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ये जो ट्रांसपोर्ट के सब्जेक्ट है, ये हमारे देश में 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है वो राज्य सरकार के अधिकार के हैं, जो कॉन्करेंट लिस्ट में वो दोनों को है, और सेंट्रल लिस्ट में भारत सरकार का है। तो ये जो हमारे पूरा डिपार्टमेंट है हमारा, ये जो रोड ट्रांसपोर्ट का, इसमें ये पूरा RTO से लेकर ये स्टेट और सेंट्रल दोनों को अधिकार सब्जेक्ट बांटे हुए हैं, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो ये बहुत सी बातों में राज्य सरकार का भी सहयोग हमको चाहिए, और वो हमको करते भी है,
तो उनके सहयोग से ही हमको ये करना पड़ेगा, सब बातें हमारे अधिकार में नहीं आती। सर एक सवाल यहाँ से है, तरुण कालरा टोटल टीवी से। सर काफ़ी बातें हुई हैं रोड सेफ्टी को लेकर, कई मेजर्स की ज़रूरत है उसके बारे में आपने बात किया। सर कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि डिसीजन क्या लिए गए हैं उसके बारे में अगर थोड़ी सी ब्रीफली आप जानकारी एक बार दे दें। सीट बेल्ट मैंडेटरी हो जाएगी बैक सीट में लगानी, क्रैश बैरियर के बारे में सबसे बड़ी बात है जो यूरोपियन और अमेरिकन स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड्स को अब इंडिया में हम ला रहे हैं और इसीलिए टेक्निकल सब्जेक्ट है। मैं काम करता हूँ, एक मेरे वेबसाइट पर तुरंत अभी आज की जो नोट है ना पूरी, वो तुरंत डाल दो और इनको सबको वो मिल जाएगी। ऐसे देखो आप पूरी नोट पढ़ लीजिए, टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसमें अभी 8 बातें मैंने गिनाई थी। मैं फिर से एक बार, आपको नहीं समझ में आएगा तो कुणाल को फोन करिए। छत्रपतींचा विचार म्हणजे